नमस्ते दोस्तों, आप सभी का थ्रेड और नीडल में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कपड़े का लटकन, जिसके लिए हमने 2.5 इंच का 2 राउंड शेप में कपड़ा लिया है और उसे हमने काट लिया है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे से सिलाई कर लेना है राउंड शेप में। अब हमारा जो सिलाई है लगभग देखिए कंप्लीट होने वाला है, तो उससे पहले हमें क्या करना है कि जब हम लास्ट हो सिलाई तो 1/2 इंच से ज़्यादा थोड़ा हम सिलाई को छोड़ देंगे, सिलाई उस जगह पर नहीं करेंगे, ताकि जब हम कपड़ा को पलटेंगे तो मेरा कपड़ा अच्छे से सेट हो पाए पलटने टाइम। ये धागा को हमने काट लिया है, अब हमें धीरे धीरे कैंची की मदद से दोनों कपड़ा को एक साथ में काट लेना है, बराबर कर लेना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि मेरा जो पूरा वीडियो है वो समझ में आए। देखिए, ये जो मेरा राउंड शेप में जो हम कपड़े को बराबर कर रहे थे ये हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ की सहायता से इसे धीरे धीरे हम पलट लेंगे और उंगली के मदद से, देखिए हम पलट लिए, उंगली के मदद से मेरा जो अंगूठा है उसके मदद से हम अंदर में जो कपड़ा है उसे हम अच्छे से उंगली की मदद से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आयरन नहीं किया है तो हाथ से ही हम कर रहे हैं। आप चाहें तो आयरन करके अपना सेट कर लीजिए। ये देखिए मेरा हो चुका है पूरा सेट, अब हमें इसे सिलाई कर लेना है। तो आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मशीन से किया है। तो देखिए हमें बस इसे राउंड शेप में सिलाई कर लेना है, ताकि जब हम लटकन को बनाएं तो जो मेरा डिज़ाइन है लटकन का वो बिल्कुल फिनिशिंग आए। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा सिलाई है लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें हमें क्या करना है, अभी ही डोरी को अटैच कर देना है, लगा देना। आप चाहे तो इसमें घर का डोरी बना करके लगा सकते हैं, लेकिन हमने बाज़ार का ही डोरी लगाया है। देखिए हमने रेडी करके रखा है बाज़ार का ही डोरी, बस इसे अच्छे से हमें उंगली की मदद से सेट कर लेना है। फिर जो हमने डोरी काट के रखा है उसे बस इसमें हमें तोता के कपड़ा के बीच में डोरी को हमें लगा देना है, बस बिठा देना है और उसके ऊपर अच्छे से हमें सिलाई को चला देना है। 1-2 बार रिपीट कर देना है, ताकि जो मेरा डोरी है वो अच्छे से सेट हो जाए। देखिए उसके बाद हमें जो बाकी जगह है, जो गोल राउंड जो हमने लटकन बनाया है उसमें हम अच्छे से चारों तरफ सिलाई कर देंगे। ये हो गया मेरा कंप्लीट, हमने धागा को काट लिया है। अब हम बनाएंगे डिज़ाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 1 फोल्ड करेंगे और उसके बाद 2nd फोल्ड करेंगे। 2nd फोल्ड करने के बाद हमें अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करके हमें, आप चाहे तो पेन से दाग लगा लीजिए या फिर चॉक से, हमने चॉक से दाग लगाया है। देखिए तो बस जो हमने दाग को लगाया है, मार्क जो किया है उसे हमें सिल लेना है। आप चाहे तो हाथ से भी सिल सकते हैं, लेकिन हमने मशीन से सिलाई किया है तो बस हमें थोड़ा सा पक्का कर लेना है इसे, ताकि जब हम डिज़ाइन बनाएं तो ये खुले ना। देखिए ये हो गया मेरा, अब हमें इसे निकाल करके, देखिए ये मेरा सिल गया। अब हमें 2 उंगली को लेना है, दोनों हाथ के 2 उंगली को ये जो हमने सिलाई किया है उसके बीच में रख के हमें बस इस कपड़े को अपने तरफ खींच के फोल्ड कर लेना है। देखिए ये जो मेरा लटकन है तैयार हो गया है। फिर इसे क्या करना है, हमें थोड़ा सिल लेना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उंगली की मदद से ना पकड़ना पड़े, ये खुद से सेट हो जाए। मेरा लटकन है, सिलने के बाद तो पूरा रेडी हो जाएगा,
लेकिन देखिए इसमें हमें कुछ कमी लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है पर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे और थोड़ा डेकोरेट किया जाए। ये जो मेरा धागा है उसको हम 10 बार लपेटेंगे 3 उंगली में, और उसके बाद हम धागे को उंगली से निकाल कर धागे को काट लेंगे। काटने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को फोल्ड कर देंगे, दोनों छोर को फोल्ड कर हम सुई धागा लेंगे, और ये जो हमने हाथ में लपेट के रखा है धागा उसमें हम एक सरकवासी दे देंगे सुई धागा के मदद से। फिर इस लपेटे हुए धागा में थोड़ा हम सुई धागे के मदद से लपेट करके एक जो सुई की मदद से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा मोती लेंगे और ये लगा देंगे इसमें। उसके बाद फिर एक थोड़ा बड़ा मोती लेंगे और इसमें लगा देंगे, ताकि जो हम घंटी को बना रहे हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगे। तो बस ये जो लटकन है उसमें हम इस सुई धागे की मदद से ये जो हमने बनाया है धागा लपेट के मोती लगा के इसे हम इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए इसके बाद ये जो है मेरा लटकन अच्छा तो लग ही रहा था, और भी अच्छा लगेगा। बस इसे हमें क्या करना है, फिनिशिंग के लिए कैंची से हमें इसे काट लेना है। आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप भी इसे सूट में या ब्लाउज में लगाएं बना के, आपको हमें लगता है बहुत पसंद आएगा। तो सूट और ब्लाउज में लगाएं बना के, बहुत ही आसान है और देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, बाय।